ऑडी का ये इस काम के 2.5 से 3 लाख रुपए लगते हैं। तो यही चीजें भैया जिसके लिए कार जानी जाती है शायद। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और सारे वे में सिस्टमैटिक वे में अंदर गया सिस्टम का। मैं देख रहा हूँ भैया 300 तक की इसमें स्पीड मार्किंग हो रही है, तो 300 तो काफी होता है। हेलो भैया, कैसे हैं सिद्धांत जी? मैं बढ़िया भैया। आज कौन सी कार लेके आए हैं? आज आप लोगों के लिए ऑडी Q7 है। ये 18 मॉडल है, न्यू शेप जिसे बोलते हैं। 18 इसकी लाइट्स अपडेटेड आई थी। तो नहीं है, बट वैसे तो फाड़ भी चुकी है। जो 15-16 के बाद जो शेप आया था, 14-15-13 तक जो आता था उसके बाद वाला शेप है। डेफिनेटली भैया। तो भैया अगर मैं बात करूं ऑडी Q7 की, तो ये X7 या X5 के किसके कंपैरिजन में आती है? ये आपकी Q7 Q5 से, ये आपको X7 से ही कंपेयर में जाएगी। X7 प्राइस वाइज तो शायद Q5 GLE और अपना GLS वाले कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसका एयरमेटिक सस्पेंशन वगैरह है जो X5 वगैरह में नहीं है। अच्छा, ये हाइट वाइट सब एडजस्ट करती है। हाँ, इसमें आगे भी एयरमेटिक है, पीछे भी एयरमेटिक है, तो इसलिए X7 वाले में जाएगा। भैया एक टाइम था शायद ऑडी मैंने देखा था काफी बिकती थी, अभी थोड़ा सा मार्केट डाउन हो रहा है इसका। एक्चुअली इसके कई सारे रीजन है, सबसे बड़ा रीजन तो अपना दिल्ली NCR की हम जो बात करें, 10 ईयर्स रूल, वो एक 10 ईयर्स वाला इशू भी है। फिर क्या है कि नोएडा में डीलरशिप बंद हो चुका है, ऑडी का नोएडा में कोई नहीं है, एक सर्वे सर्वा फरीदाबाद ही बचा है। अच्छा अच्छा। तो कस्टमर सोचता है कि यार अब नोएडा का कस्टमर नहीं, फिर फरीदाबाद जाना, तो नोएडा वाले सर्कल। फिर उससे बड़ा चैलेंज क्या है कि मॉडल्स सोचे नहीं। एक समय था कि BMW के पास मॉडल नहीं थे बेचने के लिए, तो ऑडी लोग लेते थे। आज से मैं बताऊँ आपको, 2 साल पहले 12-13 के अंदर BMW के पास बहुत बड़ा क्राइसिस था गाड़ी सेल करने के लिए, क्योंकि मॉडल नहीं थे। आज BMW में इतने मॉडल है कि आज ऑडी का सेम वही सिस्टम है, ऑडी में बेचने के लिए है ही नहीं मुझे एक तरीके से। ज्यादा ऑप्शन नहीं बचे, कोई मॉडल चेंज नहीं हो रहे, बट फिर भी मैं थोड़ा एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि मतलब A4 A6 A7 बस 3-4-5 मॉडल बचे हैं, 6-7 मॉडल, तो कस्टमर थोड़ा सा चेंज चाहता है टाइम के साथ, इस करके थोड़ा सा ऑडी। तो भैया अब मैं जैसे बात करूं कार लेंथ वाइज, तो मेरे ख्याल से बहुत यूनिक है, मतलब फुल्ली एक्सयूवी है, कॉम्पैक्ट एसयूवी, फुल एक्सयूवी कहेंगे इसको, एक्सयूवी है। Q7 का मॉडल है, 2018 का मॉडल है, डीजल वेरिएंट कार है ये। आप देख सकते हैं कि हम गाड़ी आपको पहले बाहर से दिखाएंगे, इसके अलॉय वगैरह दिखाइए आपकी कितने भैया, काफी बड़े इसके मतलब अलॉय व्हील हैं देखिए, और इसके जो पहले पूरी शेप भी चेंज है बेसिकली, तो पहले Q7 आती थी उससे पूरी शेप चेंज है, चाहे अलॉय से लीजिए, चाहे रनिंग बोर्ड स्कर्टिंग से लीजिए, चाहे पीछे के लाइट से लीजिए, पीछे के रिफ्लेक्टर से लीजिए, इसमें दोनों तरफ आपको साइलेंसर मिल जाएंगे, साइलेंसर मिलेंगे। और मैं देख रहा हूँ भैया ग्राउंड क्लीयरेंस भी काफी अच्छी है, मतलब कहने को नहीं एक्चुअल में एसयूवी कार है, तो वो आपको उसमें ग्राउंड क्लीयरेंस का कोई इश्यू आएगा ही नहीं पहले। पर आज फिर हम ये वीडियो बनाने आए हैं राय ऑटोमोटिव सर्विस का, आप देख सकते हैं ऊपर राय ऑटोमोटिव सर्विस, और आप यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं अपनी लग्जरी कार के लिए। इसका बूट स्पेस है, ये इसका 7 सीटर वाला जो है। अच्छा, अगर आप चाहते तो अपनी यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉनिक मतलब सीट भी उठा सकते हैं, और साइड अपनी कार की जो हाइट है उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली अपने टेल गेट जिसे बोलते हैं वो वाला फंक्शन है इसके अंदर। ठीक है भैया, अंदर से देखते हैं कोई कार को। 4.5 लीटर का इसमें इंजन है, TDI इंजन, क्वाट्रो। तो भैया ये 3000 cc होगा, ऊपर उससे ऊपर है। ओके, अच्छा नीचे देख रहा हूँ भैया, तो यहाँ पे ऑडी का साइन बना रहा है। करेक्ट करेक्ट, वो इसका फंक्शन है। अब बताइए भैया, मतलब जब आप बैठते हैं 90 लाख की गाड़ी में तो क्या कुछ मिल रहा है, बताइए। प्राइस वगैरह ज्यादा हो गए, आपने रकम बता दी इसकी। पर ये जिस टाइम आती थी शायद तब तो यही रेंज थी, यही था। अब तो गाड़ियां सारी की सारी ऑलमोस्ट महंगी हो गई। आप देखेंगे जो पहले वाली Q7 में था उसका डैशबोर्ड किस तरीके का था, बेसिक इवेंट आप देखेंगे कुछ इस तरीके का। डेफिनेटली भैया, और ये पूरा कर्व इस तरीके से आ गया, पहले डिजाइन कुछ अलग किस्म का होता था, पूरा ये आ गया। गियर भी आप देखेंगे इसका थोड़ा सा सॉलिड आ गया, अच्छा वाला आ गया ये वाला, इसका गियर इस तरीके का दे दिया इन्होंने। ये इसका पूरा डैशबोर्ड है। वैसे भैया स्पेस भी पता लग रही है, मतलब आप कहाँ बैठे हो, मैं कितनी दूर बैठा हूँ, मतलब जी, जी, स्पेस और पैनोरामिक सनरूफ है इसके अंदर पूरी कंप्लीट, काफी बड़ी है, मतलब सनरूफ भी बात करेंगे तो सिटिंग के मामले में डेफिनेटली आप देखेंगे तो मोस्टली आपको पीछे 2 सीटिंग का लगता है, इसमें आपको प्रॉपर 3 सीटिंग का आपको कंपार्टमेंट नजर आ रहा है, प्रॉपर नजर आ रहा है, सब हेडरेस्ट आर्मरेस्ट सब कुछ उस हिसाब से दिया गया है। तो भैया पहले अब बात करते हैं, ये कार तो बहुत अच्छी है डेफिनेटली, आपके पास किस काम के लिए आई थी? भैया हमारे पास ना कस्टमर का 3-4 दिन 5 दिन पहले फोन आया था कि भैया गाड़ी में ना स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रही, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। ओके, तो गाड़ी थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन की है, मतलब दिल्ली की नहीं है, दिल्ली से बाहर की गाड़ी है। तो मैं जिले का नाम आपको नहीं बता सकता क्योंकि ऐसे प्राइवेसी कहीं ना कहीं कस्टमर की धमकी नहीं, डेफिनेटली। तो मैंने उनको बोला सर देखिए दूर का मामला है, तो थोड़ा सा एक बार आप कहीं जंप स्टार्ट वगैरह करा के देख लीजिए मैकेनिक से। तो उनको मैंने गाइड करा प्रॉपर कि जंप स्टार्ट कहाँ से होगा, क्योंकि मोस्टली क्या होता है हम लोग क्या करते हैं कि
बैटरी टर्मिनल जोड़ा, डायरेक्ट बैटरी से नहीं करना चाहिए क्योंकि इनकी बैटरी पे सेंसर लगा होता है जिसको हम बैटरी सेंसर बोलते हैं, और वो पूरा इलेक्ट्रॉनिकली पूरा कंट्रोल करता है। अब ये चीजें नॉर्मल मैकेनिक नहीं जानता होता, तो हमने उनको बोला कस्टमर सर आप फिर भी जब टो कराइएगा, सॉरी जब आप जंप स्टार्ट कराइएगा तो मुझे फोन कर दीजिए। मैंने उनके ड्राइवर को बाइक गाइड किया, बोनट खोल के देखेंगे तो लाल कलर का एक कैप लगा होगा, वहां से आप प्लस का लगाइएगा बैटरी पे, और नेगेटिव के बाद आप कहीं से भी ले सकते हैं। वैसे पॉइंट उसका ही बना हुआ है बट वो थोड़ा सा टेक्निकली है तो खोलना पड़ता है, इसलिए कहीं से और से भी ले सकते, नहीं से आप कहीं से इंजन से ले लीजिएगा। उन्होंने फिर ट्राई करा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, और मुझे दोबारा बोला कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। मैं बोला ठीक है सर फिर टोइंग क्रेन भेज देते हैं। अच्छा फिर आपने टो करवाई, फिर हमने टोइंग क्रेन के लिए भेजा, तो पूरा फ्लैट बेड पे आई होगी। हाँ पूरी फ्लैट बेड पे गाड़ी आई, वहां से हमने गाड़ी को चेक वेक किया तो हमने जो देखा कि बैटरी गाड़ी की डेड थी। ओके अब रीजन क्या था, ये कस्टमर जाने हमारे पास गाड़ी है जो डेड कंडीशन में आई। फिर हमने गाड़ी की बैटरी चार्ज वगैरह करी और बैटरी चेक करी तो हमने देखा कि 2017 की बैटरी है, लगभग 5 साल पुरानी बैटरी है, बट हमने चार्ज वार्ज करके देखा तो बैटरी गाड़ी प्रॉपर स्टार्ट हो रही है। ओके पर वैसे भैया इतनी चल जाती है जैसे 5 साल तो अच्छी है? जो कंपनी की बैटरी होती है वो चल जाती है, जो फर्स्ट टाइम की बैटरी होती है ना वो थोड़ी सी 5 साल 4 साल 6 साल की उसकी लाइफ हमने जो देखी है। अच्छा अच्छा दोबारा की लाइफ कम रही है क्योंकि जो ओई फिटमेंट जो कंपनी से प्लांट फिटमेंट आती है ना। तो भैया ये भी गजब बात है, मतलब वैसे तो यूजुअली लोग यही करते हैं कि बैटरी खराब बता देते हैं अपना, उसमें भी प्रॉफिट बनाते हैं। आपने उसी को ठीक करा, हमारा ये एक्चुअली इसमें थोड़ा सा ये हमारी तारीफ कही है या खुद से कुछ कही है, हम इस चीज में थोड़ा सा बिलीव कम रखते हैं। अच्छा देखिए कस्टमर को पैसा तो पूरी जिंदगी कमाना है और कस्टमर हमें दे भी देगा। फिर हमने कस्टमर को बताया सर अपनी बैटरी चार्ज करे, गाड़ी स्टार्ट हो गई, 5 साल पुरानी बैटरी है आपकी, मतलब बैटरी का इशू नहीं है, ये आपने कंफर्म कर दिया सर। हमने उनको बोल दिया सर आपने 2017 में जब 18 में गाड़ी ली थी, 17 में गाड़ी बन के आई होगी, 17 तब की बनी बनाई, तब की बैटरी है आपकी, आप चाहें तो चेंज करा लीजिए, हमारी एडवाइस ये है। तो कस्टमर से बात चल रही है हमारी, मैं बोला ठीक है मैं देखता हूँ इस विषय में। मतलब आप कभी भी जा सकते हैं, ये वाला चीज हमने बताया दोबारा गाड़ी ब्रेक डाउन हो इसलिए बैटरी की चेंज की रिक्वायरमेंट है, पर गाड़ी राइट नाउ स्टार्ट हो रही है। ओके और भैया एक चीज अभी मेरे को बात ध्यान है, ऐसे आउट ऑफ स्टेशन में अगर किसी भी गाड़ी ब्रेकडाउन होती है तो आपके पास ये फ्लैट बेड वगैरह अवेलेबल रहता है? भेजते हैं, मतलब आपके सर्विस सेंटर पे कॉल करो और वो आप अरेंज करा देंगे, उसकी फैसिलिटी देते हैं, उसको पैसों से खुद ही करने पड़ता है। वो तो डेफिनेटली भैया आजकल सभी का है, बट एटलीस्ट आप एक सरदर्दी खत्म हो जाती है कि आदमी खुद से कहीं से कॉल करे, दिन रात आप कभी भी फोन करेंगे तो हम आपको फ्लैट बेड की सुविधा उपलब्ध करा देते हैं। ठीक है, जो चार्जेस होते हैं उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं होता, वो तो जैसे ऑपरेटर होगा वो लेके आएगा, वो अपने आप ही, हम उसमें नंबर दे देते हैं, कस्टमर को भी दे देते हैं, पार्टी को भी दे देते हैं, ये रह जाता है अश्योरेंस हो जाती है कि वो बस जानने वाले की तो उसको आपको सिक्योरिटी कंसर्न नहीं रहेगा गाड़ी कहाँ जाए। और ये भैया बहुत बड़ी बात है, मतलब मेन सबसे बड़ी बात यही होती है, मैंने ऐसा देखा है लोग या तो फिर उसी कार में बैठते हैं या उसके साथ साथ चल रहे होते हैं, तो वो हमारे पास एक ही बंदा जिससे हमारा टाई अप है, ओके उससे हम कराते हैं और वो हमें करके दे देता है, रीजनेबल प्राइस भी लेता है, उसके साथ लगभग पिछले 6-7 सालों से जुड़े हुए। ओके तो ये सबसे अच्छी बात होती है, देखिए इतने लंबे टाइम से वो जुड़े हैं आपसे। तो फिर हमने गाड़ी को पूरा ओवरऑल चेक किया, कोई और दिक्कत तो नहीं, क्योंकि गाड़ी लगभग 92,000 के लगभग चल भी चुकी है, गाड़ी की रनिंग अच्छी खासी हो गई। तो हमने गाड़ी को जब चेक किया, इंस्पेक्ट किया, तो हमने देखे कि पीछे के ब्रेक पैड्स और डिस्क के वॉर्न आउट है। तो हमने कस्टमर को बोला कि सर आपकी गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम के लिए आई थी, बट स्टार्टिंग प्रॉब्लम बैटरी चार्ज करने पर गाड़ी ठीक है राइट नाउ, बैटरी चेंज कराने की आवश्यकता है अगर आप चाहते हैं तो, बट आपके साथ साथ पीछे के ब्रेक पैड और डिस्क भी खराब है। तो कस्टमर ने बोला ठीक है आप कर दीजिए। तो वो भी ओरिजिनली तब के डले होंगे भैया? अब ये तो नहीं कह सकते क्योंकि 90,000 तो नहीं चलते किसी की ब्रेक। अच्छा अच्छा तो वो चेंज हो चुके होंगे, कई बार चेंज होंगे, एक बार नहीं कई बार चेंज होंगे। तो हमने इस बात को बताया इसलिए आपको कि जो हम काम करते हैं ऑनेस्टली के साथ करते हैं। नहीं डेफिनेटली भैया ये तो प्रॉब्लम निकली ब्रेक डिस्क में, तो कस्टमर ने भी हमें कुछ नहीं बोला, उसने बोला ठीक है आप कर दीजिए। वो एक्चुअली मैं देखिए इसलिए सोचा कि वरना देखिए होता क्या है जब गाड़ी डेड आती है तो आदमी बहुत कुछ बोल देता है, सेल्फ चला गया, ये चला गया, आपने ऐसे स्टार्ट करी वैसे स्टार्ट करी, ऐसा हो गया वैसा, बहुत सारी बातें होती है और इतनी बड़ी गाड़ियां हैं किसी कस्टमर को पता भी नहीं होता क्या इसमें खराब हो गया क्या नहीं हो गया। बट मेरा ये मानना है एक चैनल प्रॉपर चैनल से काम करना चाहिए। दूसरी बात भैया ये है कि मान लो अभी एक अच्छी बात होती है कि आपने यहाँ पे गाड़ी सिर्फ अभी बैटरी के लिए बताई, बैटरी ठीक हो गई और आप चले गए वहां पे वापस लेके, थोड़े दिन में उन्हें वहां पता लगा जाके मेरी ब्रेक्स खराब है, तो एटलीस्ट वो ये बोलते हैं आप मेरे को इन्फॉर्म कर देते मैं करा देता, इतनी दूर क्यों आनी पड़ती है, गाड़ी ये दिल्ली की नहीं है, दिल्ली की गाड़ी है तो आना जाना भी एक चैलेंज, आना जाना एक चैलेंज हो जाता है। दूसरी चीज एक हेक्टिक होता है कि एक बार ही शॉप पे गई है फिर दोबारा जा रही है, तो इसलिए आपने अपने गुडविल में बता दिया, अब उनको कराना है नहीं कराना वो उनके ऊपर है। तो देखिए फ्रेंड्स यही रीजन है, मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि सजेस्ट करता हूँ कि राय ऑटोमोटिव पे आइए। आपने एक ही वीडियो में दो चीजें देख ली, फर्स्ट ऑफ ऑल कार बहुत छोटे काम के लिए आई थी, भैया चाहते तो सिंपल बैटरी रिप्लेस करा के उनसे जो थोड़ा अपना कमीशन होता है वो ले सकते थे, बट उन्होंने वो नहीं किया।
प्रॉपर डायग्नोस किया, बैटरी चार्ज करके देख लिया और गाड़ी स्टार्ट हो रही है। सेकंड चीज, वो सिर्फ इतना काम करके कार को यहाँ से भेज सकते थे कि एक दिन में मेरी कार पूरी सर्विस हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उन्होंने चेक किया ओवरऑल कार को और पॉइंट आउट कर दिया कि ये चीज इस कार में भी दिक्कत आ सकती है इन फ्यूचर, आप चाहते हैं तो चेंज करा लीजिए। तो ये रीजन है, मैं आपको बोलता हूँ कि आप प्लीज राय ऑटोमोटिव सर्विस पे आके एक बार विजिट करिए। और जब भी मैं आता हूँ, अभी आप देख सकते हैं इस टाइम पे कम से कम 9 या 10 गाड़ी यहाँ पे सर्विस हो रही है, जिसमें काफी सारी मर्सिडीज और ऑडी है, और बाहर मैंने देखा लैंड रोवर की भी कार यहाँ पे आती है, और जो एकदम नई कार है। हम होगा तो एक उसका भी जल्दी वीडियो बनाएंगे भैया। हाँ भैया, अगर कुछ काम चल रहा है, अगर अभी टाइमली हो गया और आपके पास समय रहा। नहीं, डेफिनेटली भैया। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो एक कंसर्न था पहले लोगों का कि भाई कहीं पे भेज रहे हैं हम कार को, मैं मेरे अगर आप वीडियोस देख लेंगे, हमने अराउंड 40-50 वीडियो बना दिए, और आप उसमें कार देख लेंगे, मोस्टली कार उसमें काफी अच्छी कंडीशन की होती है। तो भैया आप इसी तरीके से मतलब लोगों को सजेशन देते रहिए, और मैं तो कहूंगा आपका भी बिजनेस बहुत अच्छा चले। थैंक यू, आप लोग भी दुआएं रहेंगे तो बिजनेस जरूर चलेगा। थैंक यू, पॉलिसी है कि ईमानदारी से और चीजों को, बिजनेस करना है, बड़ा आदमी बनना है, सबको बनना है, मेरे को अकेले को नहीं बनना, सबका सपना होता है, यही भैया सबसे बड़ी बात होती है, ऑनेस्टली के साथ चलना है। तो भैया मिलते हैं फिर किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।